भागलपुर प्रमंडल अंतर्गत बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के टेढ़ी गांव में। और यहां पर मैं जनता से जानने की कोशिश करूंगा कि जो पेयजल की यहां पर समस्या है वो काफ़ी खराब है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि लगातार जो जल का स्तर है वो लगातार जो है नीचे जा रहा है और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसी स्थिति में लगातार जो भारत न्यूज़ टीवी की टीम विशेष कवरेज कर रही है ग्रामीण स्तर से जा जाकर, तो आज हमारी टीम बांका जिले के अमरपुर प्रखंड अंतर्गत टेढ़ी गांव में मौजूद है और यहां की जनता से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो किस तरह से पानी का कष्ट झेल रहे हैं। तो आइए कुछ ग्रामीण से मैं बात करने की कोशिश करता हूं। किस तरह से यहां पर पानी की समस्या है, ये गांव टेढ़ी गांव अमरपुर प्रखंड अंतर्गत ये भागलपुर प्रमंडल में पड़ता है, तो क्या सर ये बांका जिला का क्षेत्र है, यहाँ पर पानी की किस तरह की दिक्कत है ये बताइए। जल स्तर नीचे चल जाने के कारण पानी की समस्या काफ़ी हो गया है। यहाँ 70 से 80 फीट के नीचे जो भी चपाकल था वो सब फेल कर चुका है। पानी का काफ़ी किल्लत है और तापमान जो ये बढ़ गया है और परेशानी है। और यहाँ पानी पीने के लिए लोगों को भारी कठिनाई होता है। यहाँ पानी पीने के लिए तो कुछ ये जल नल से जब बिजली रहता है तो मिलता है, नहीं तो फिर नदी से फिर पानी निकालना पड़ता है चुहाड़ी खान खोद के। तो चुहाड़ी जो आप लोग खानते हैं तो कितना गड्ढा करना पड़ता है? कम से कम 8 फीट से 9 फीट जाना पड़ता है, उसमें भी मिलता है, कभी कभी नहीं पानी नहीं हो मिलता है। तो वो पानी जो आप नदी से निकालते हैं हो सकता है उससे जो है बीमारी भी फैल सकती है, क्योंकि गंदा पानी होता होगा सर, फिल्टरिंग तो होता नहीं होगा। तो मजबूरी जान बचाने के लिए कुछ भी गाँव में करना पड़ता है, क्योंकि प्रशासन का कोई नजर ही नहीं है गाँव के तरफ और गाँव खाली हवाई लूट रहा है कि पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। बिजली आज बिजली या अंदर तूफान आती है तो तार खंभा जर्जर है, वो गिर जाता है, दो दिन तक बिजली नहीं आते हैं, उससे के चलते आज नल जल का भी पानी मिलना मुश्किल होता है, भारी कठिनाई हो रहा है। यानी कहने का आपका अर्थ ये है कि जो ये नल जल योजना के तहत जो नल लगाई गई है जी, तो यहाँ पर जिस तरह से ये ग्रामीण क्षेत्र है लगातार जो है आंधी तूफान आते रहते हैं, बिजली की जो स्थिति है तार की वो जर्जर है, वो गिर जाने के कारण कभी कदाल जो है 2-3 दिन तक बिजली यहाँ पर नहीं आती होगी, तो इसके कारण काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी कष्ट होता है। बिजली नहीं रहने के कारण यहाँ नल जल का भी पानी बंद हो जाता है और काफ़ी कठिन समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। यानी और चापाकल की क्या स्थिति है ये जानने की कोशिश करूंगा कि आपके गांव में जितने भी चापाकल हैं लगभग कितने खराब पड़े हैं सर? 100 में 100 यहाँ कोई भी चपाकल पे जाइएगा तो पानी नहीं मिलेगा, कहीं एक चुरू पानी नहीं निकलता है चपाकल से, सब चपाकल फेल हो गया है। लीयर नीचे जल जाने के कारण काफी समस्या है, यहाँ नया चपाकल डालना होगा और 100 से ज्यादा फीट अगर देंगे अंदर तब ये पानी निकल सकता है, ऐसे संभव। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुमारी, ये नदी में पानी लेने आते हैं, क्यों पानी नहीं मिल रहा है गाँव में? काफ़ी दिक्कत है पानी का। तो यहाँ से रोज ढोते हैं पानी? डेली। यहाँ से कितना दूर है घर आपका? बहुत दूर है। बहुत दूर है। ये नदी में चुहाड़ी खान के पानी ले जाते हैं? अच्छा, और जो है ये बताइए कि ये धूप में आप जो है इस नदी में बालू में आते हैं, काफ़ी दिक्कत होती होगी? बहुत दिक्कत चलने में, गर्मी में बालू भी गर्म हो जाता होगा, पर जलता है। कौन सा गांव है ये? तारडी अमरपुर प्रखंड बांका जिला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पानी काफी दिक्कत है ये नदी में, की करी रोच लिया अपना सनी अभी? ये पानी चुहाड़ी खानी का ना, काफी दिक्कत है पानी का ना, बड़ा दिक्कत। बच्चों सनी काफी दिक्कत होता होते तो। नाम अपना के? अनिता देवी। घर तारडी प्रमंडल भागलपुर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। निकालो पानी।